दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडिशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और लेटेस्ट वीडियो में। और गाइस, आज का ये जो वीडियो है ये किसी टेक रिलेटेड टॉपिक पे नहीं है, हाँ लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप सभी के लिए। तो आप चाहें तो इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। और गाइस, मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ देखिए ही मत, साथ में इसको लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिए, ताकि मैं श्योर हो पाऊँ एक चीज़ के लिए कि आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो मुझे कभी बनाना चाहिए या नहीं। क्योंकि गाइस, आपको पता होगा कि आप YouTube पे अगर एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप जब तक एक मतलब अच्छे कंटेंट को लेकर के YouTube पे आते हैं तब तक लोग आप पे भरोसा करते हैं। जब आप YouTube चैनल पे ग्रो कर जाते हैं उसके बाद में आपके पास एक ऐसा ऑडियंस बेस बन जाता है जिससे कि आप कुछ भी अगर किसी को बोलेंगे तो उसमें आपके जो मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो भी हैं वो आपके बातों को मानते हैं। और ये चीज़ बिल्कुल सही है। आज के टाइम पे बहुत ही मतलब ऐसे चैनल्स हैं जिनके बातों को लोग मानते हैं। इवन मुझे भी बहुत से लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं अगर कुछ भी उनसे बोलूं तो उस चीज को वो मानते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम कुछ पैसे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए उनके जो ट्रस्ट है उसका गलत फायदा उठाते हैं। यहां पे गाइस, मैं किसी को ऐसा मतलब बोलूंगा नहीं, लेकिन आज जो एक वीडियो मैंने देखा, जो कि आपको पता होगा कि मनोज दे नाम से यूट्यूब चैनल है, आप जाकर के देख सकते हैं। और यहां पे बहुत से ऐसे उनके फॉलोअर्स हैं जो कि उनके फैन होंगे, इस वीडियो को वो देख रहे हैं। सो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके बोलना चाहूंगा कि मैं से आप उनके फैन हो या फिर आप उनके सब्सक्राइबर हो, वैसे मैं भी उनका फैन हूं, उनके बहुत से वीडियोस को देखता हूं। इवन वो बहुत पहले से, जब से मतलब यूट्यूब पे आए हुए हैं तब से ही शायद मैं उन्हें देख रहा हूं, फॉलो भी कर रहा हूं। बहुत से मतलब चीजें उनकी मुझे पसंद भी आती है और यहां पे बहुत मेहनत करने के बाद में वो आज इस लेवल पे पहुंच पाए हैं, बहुत अच्छे से वो ग्रो कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनका बहुत ज्यादा मेहनत लगा हुआ है। लेकिन जब आप इस स्टेज पे आ जाते हो, मनोज भाई मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा कि जब आप एक स्टेज पे आ जाते हो, जब आपके हजारों लोग मतलब फैन हो जाते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज ही कुछ टाइम पहले आपने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप बता रहे हो कि आप अप टू 10,000 रुपीज तक कमा सकते हो ऐप की मदद से, जिसमें क्या है कि यूट्यूब के वीडियोज को देखना होता है। वो ऐप का मतलब यही फंडा है कि आप यूट्यूब वीडियोज को जाकर के देखो और उसके बाद में आप वहां से पैसे कमा सकते हो। गाइस, आप मुझे बताओ यार, एक बार उस वीडियो को जाकर के जरूर देखो आप भी, और यहाँ पे मुझे बताओ कि ये कितना मतलब हद तक सही है। यहाँ पे इस वीडियो में क्या होता है कि आप किसी को रेफर करते हो तो उसका आपको $2 मिलता है। बहुत ही अच्छी बात है, $2 इज अ बिग अमाउंट। 150 रुपए के आसपास आप सिर्फ रेफर लिंक को डाल करके, मतलब रेफर कोड को डाल करके कमा सकते हो। लेकिन उसके बाद का क्या, क्योंकि यहाँ पे आप अगर पूरा वीडियो अगर देखे हो और यहाँ पे आपको अगर इस ऐप के रूल का पता है तो यहाँ पे $150 आपको चाहिए होते हैं आपके अमाउंट को रिडीम करने के लिए। तो ये ऑब्वियस सी बात है किसके लिए फायदेमंद है, जो एक यूट्यूबर है उनके लिए ही ये फायदेमंद है। और वो भी पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसका कोई यहाँ पे गारंटी नहीं होता है। तो यहाँ पे अब ये वीडियो जो मनोज भाई ने बनाया है वहाँ पे उन्होंने ये तो बता दिया कि हाँ मैं आपको पेमेंट का प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने इस वर्ड को भी यूज़ किया कि बिना प्रूफ के आप लोग बातों को नहीं मानते हो। तो ऑब्वियस ही बात है, बिना मतलब प्रूफ के कोई बातों को नहीं ही मानेगा। और आपने जो भाई प्रूफ यहाँ पे दिखाया है वो प्रूफ आपने बैंक ट्रांसफ़र का दिखाया है, जहाँ कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि जो ऐप का आप रिव्यू कर रहे हो, जिस ऐप के बारे में आप बता रहे हो, उस ही ऐप से आपको पैसे आए हुए हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। हाँ, अगर आप पेटीएम में करते तो यहाँ पे आपके पास प्रूफ रहता, आपको मतलब पेटीएम में अगर अमाउंट क्रेडिट होता आपका तो आप डायरेक्टली वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के दिखा सकते थे कि इसी मतलब एप्लीकेशन के तरफ से मुझे पैसे जो है वो आए हैं। तो ये चीज़ भाई आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। रहा बात अगर हम किसी ऐप पे भरोसा करें तो कैसे करें, जब तक हम उसके रिव्यूज़ नहीं देखते हैं। प्ले स्टोर में अगर आप किसी ऐप को डाउनलोड कर रहे हो तो जब तक आप उसके रिव्यूज़ को ना देखो, डाउनलोड नहीं करो। तो यहाँ पे रिव्यूज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, 27 तारीख का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आज के ही रिव्यूज़ हैं जिसमें इस ऐप को अच्छा बोला गया है, और वो भी मनोज भाई के कहने पे, क्योंकि मनोज भाई ने डायरेक्टली उस वीडियो में ही दिखाया हुआ है कि आपको जाना है मतलब रेट वाले सेक्शन पे, वहाँ पे जा करके लिखना है गुड ऐप, वर्किंग ऐप, इस टाइप का लिख करके अपना जो आपका रेफरल कोड है वो दे देना है। इससे होगा क्या कि कुछ लोग आएंगे रेफरल कोड के लिए और वहां से देखेंगे कि ये रेफरल कोड है, उसको डालेंगे तो इससे आपकी भी $1 की अर्निंग हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है भाई, लेकिन यार सिर्फ और सिर्फ अभी का जो रिव्यू है वही अच्छा है, बाकी जो पुराने रिव्यूज हैं या तो वो बहुत ही कम है या नहीं तो फिर मतलब
बहुत ही बकवास है। तो $150 अगर आपको कमाना है, $150 के लिए ऑब्वियसली आपके पास एक ऑडियंस बेस चाहिए, नॉर्मल लोगों के लिए जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है या फिर यूट्यूब चैनल भी है और उतने उनके सब्सक्राइबर्स या फिर उतने व्यूज नहीं आते उनके वीडियो पे, तो उनके लिए बिल्कुल भी ये वीडियो वर्थ नहीं करता है। बाकी वीडियो मतलब जो बनाए हैं, चलो ठीक है भाई, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ और किसी को भी मैं यहाँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मनोज भाई थोड़ा सा ध्यान रखो यार कि लोग आप पे मतलब भरोसा करते हैं। मानता हूँ कि ऐसे बहुत से ऑफर्स मुझे भी आते हैं, कुछ मतलब लोगों ने तो प्रमोट करने का भी मुझे पैसे के लिए ऑफर किया था, कुछ लोग कोलैब करने के लिए, मतलब उनका चैनल किसी और ही टॉपिक पे है, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह बनाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे साथ कोलैब करो, मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ। इन सभी का प्रूफ मेरे पास अवेलेबल है। तो ये सभी चीज़ें तो आती ही रहती है, ऊपर से आप इतने मतलब लेवल पे हो आज के टाइम पे, आपको बहुत से लोग जान रहे हैं, तो इसके लिए तो बहुत से मतलब आपको ऑफर्स वगैरह आते ही होंगे। यहाँ पे मुझे पक्का यकीन है कि इस ऐप वाले ने आपको पक्का मतलब जो स्पॉन्सरशिप होता है ना वो प्रोवाइड किया है, ऐप रिव्यू करने के लिए आपको पैसे दिए गए हैं। तो भाई आपके ऑडियंस आप पे भरोसा करते हैं, इस टाइप का यार बिल्कुल भी मत करो। देखो अभी क्या है, मुझे क्या लगता है कि ऐसा कोई भी ऐप अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आप 15,000-20,000-25,000 रुपए कमा सकते हो। हाँ ऐप्स हैं, ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं जिससे कि 100-200-500 रुपए कमाया जा सकता है, लेकिन 15,000-20,000 रुपए कमाने लायक कोई भी एप्लीकेशन अभी अवेलेबल नहीं है। है भी तो वो ऑडियंस अगर आपके पास में है तब आप कमा सकते हो और रेफर के थ्रू ही कमा सकते हो। तो रेफर के थ्रू कमाने के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है और बहुत है। अगर आपके पास ऑडियंस है ना तो पैसे की कमी तो नहीं ही होगी। तो मनोज भाई बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, वैसे तो पॉइंट्स बहुत से हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बस छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आपके छोटे भाई का, अगर आप छोटा भाई मानते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप लेना। और मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मनोज भाई के चैनल पर जाकर के उनको मतलब कुछ गलत बोलो, उल्टा सीधा बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो मैं बनाने का सोच भी नहीं रहा था, मैं नहीं चाहता कि इस तरह से मैं व्यूज़ वगैरह गेन करूँ या सब्सक्राइबर्स वगैरह गेन करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको गाइस अगर सही लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, गलत लगता है या तो पक्का डिसलाइक करना। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा देर तक रखने भी वाला नहीं हूँ, बस छोटा सा एक मैसेज था जो कि मैं चाहता था मनोज भाई तक पहुँच जाए और बाकी उन सभी यूट्यूबर्स के पास तक जिनका मतलब एक अच्छा ऑडियंस बेस है, लोग उन पर भरोसा करते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचे, बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत मतलब टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने चैनल पर टेक्निकल वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, यूट्यूब के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियोज़ वगैरह बनाता हूं, तो अगर आपको पसंद आए मेरा चैनल तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।